फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। वह प्रक्रिया जिसमें नया पदार्थ, नया सब्सटेंस नए गुणों के साथ बनते हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है, जहां भी केमिकल चेंज होगा वह केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन के द्वारा केवल एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, व्यवस्थित होता है, कोई नया एटम नहीं बनता है। एटम व्यवस्थित होता है, जब उसकी अरेंजमेंट बदल जाती है, व्यवस्था बदल जाती है, तो उसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है और नया सब्सटेंस बनता है, उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है, लेकिन एटम वही रहेगा। और जो बॉन्डिंग चेंज हो जाता है, उसी के कारण किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो नया एटम, नया सेम एटम न्यू बॉन्डिंग करता है, और नए बॉन्डिंग और नए अरेंजमेंट के कारण ही नया सब्सटेंस बनता है, जिसके कारण केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाती है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब निकला कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता है, केवल उसकी व्यवस्था बदल जाती है। ओनली रिअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। एटम का रिअरेंजमेंट हो जाता है और केमिकल रिएक्शन उसके जगह पर होता है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ केमिकल्स पार्ट करते हैं और रिएक्शन होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है। तो जो केमिकल, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। डेफिनेशन, द सब्सटेंसेस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वे पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। और जो नया पदार्थ बनता है केमिकल रिएक्शन के दौरान तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। केवल एटम का अरेंजमेंट होता है, कोई एक एलिमेंट्स का एटम किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम में चेंज नहीं होता है, ओनली अरेंजमेंट। बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी, अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, तो एक नया पदार्थ बन जाता है, केमिकल चेंज हो गया, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग जो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे वह एग्जाम्पल होगा मैग्नीशियम रिबन। मेटल होता है, व्हाइट कलर का होता है, तो इस मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग लेबोरेटरी में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो यह व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बनता है। तो व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर with a dazzling white flame to form white powder called magnesium oxide। जब मैग्नीशियम रिबन हीट किया जाता है एयर में तो जलता है, और जब जलता है तो किस फ्लेम के साथ जलता है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। किस फ्लेम के साथ जलता है? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। और क्या बनाता है? To form a white powder, उस सफेद कलर का पाउडर बनता है जलने के बाद, जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने आपको रिएक्टेंट में क्या लिया था? दो सब्सटेंस था आपके पास, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। लेकिन जो प्रोडक्ट बना वह क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइंड हो गए और नया सब्सटेंस बन गया। लेकिन ऐसा नहीं कोई दूसरे एलिमेंट्स के एटम में चेंज हो गया। यहाँ भी मैग्नीशियम का एटम है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का एटम है, और यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इसका एक फॉर्मूला MgO होता है, तो उसमें भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ही है।
केमिकल रिएक्शन क्यों होगा, क्योंकि यह रिएक्टेंट मैग्नीशियम मेटल है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन एयर इसकी प्रॉपर्टी अलग है। लेकिन जब इन दोनों को हीट करने के बाद न्यू सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर बना, तो इसका प्रॉपर्टी अलग हो गया, यह पाउडर हो गया, यह रिबॉन था, मेटल था, ऑक्सीजन एयर में जो हमको दिखाई दे देता है, जलने में मदद करता है, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी। जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट किया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस बना इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जो एयर में मैग्नीशियम का बर्निंग है, यह एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। इस केमिकल रिएक्शन में, इन दिस केमिकल रिएक्शन देयर आर टू रिएक्टेंट। इस केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट है, दो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, एंड दो रिएक्टेंट लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक बन रहा है विद न्यू प्रॉपर्टी, और एक प्रोडक्ट बन रहा है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यू प्रॉपर्टी के साथ। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी इस मैग्नीशियम से और ऑक्सीजन से इंटायरली डिफरेंट है, एकदम अलग है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बने न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आज के क्लास में हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले टॉपिक पर हम